हाय व्हाट्सअप गाइस, फ्रेंड्स आर के वेब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं आपको पिक्सार्ट के अंदर बैड बॉय फोटो एडिटिंग कैसे करते हो सिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप अपने स्मार्टफोन के अंदर मात्र 2-3 मिनट के अंदर कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए हर दिन नए नए इस टाइप की फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको डाउनलोड करना पिक्सार्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो भी बैकग्राउंड इमेजेस और PNG इमेजेस देता हूँ उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ से आपको बॉटम में एक लेयर मिल रहा है, यहाँ पे आपको चले जाना ऑल फोटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल फोटो के ऑप्शन में जाकर फ्रेंड्स यहाँ से आपको मॉडल का एक PNG आपको सिलेक्शन कर देना है। ये वाला PNG आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद इसमें एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक कटआउट वाला एक ऑप्शन दिया रहा है। कटआउट वाले ऑप्शन पर जाकर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मॉडल ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर कुछ स्टेप से यहाँ पे रेड मार्क करते जाना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड यहाँ पे कट जाएगा। एरो की सहायता से फोटो को यहाँ पे कुछ स्टेप से यहाँ पे ऐड कर देना है, और फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड आपका अच्छी तरीके से इरेज नहीं हुआ है। आपको रिस्टोर बटन पे जाके यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड आपको फिर से सिलेक्शन कर देना है वो कुछ स्टेप से फोटो को जूम करके जाना, और फोटो को वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आपका कट चुका है वो आपको यहाँ से रेड मार्क करते जाना है। तो फ्रेंड्स स्टेप से महीन फोटो एडिटिंग, यानी बहुत ही आपको यहाँ पे फोटो जूम करते जाना और फोटो एडिटिंग करते जाना। तो फ्रेंड्स स्टेप से आपका यहाँ पे पिक्सल लेवल HD फोटो एडिटिंग यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपका फोटो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। फिर से आपको क्या करना है, बॉटम लेयर में जाना, और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑल फोटो के ऑप्शन में जाके फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, एक शेडो PNG का यूज़ कर देना। ऑलराइट फ्रेंड्स, इतना सब होने के बाद आपको क्या करना है, शेडो PNG को आपको सिलेक्शन करके इस फिट के नीचे यहाँ पे लगा देना है। तो फ्रेंड्स इसका क्लोन बनाने के लिए आपको टॉप में लेयर ऑप्शन पर चले जाना, और यहाँ से आपको कर देना है डुप्लीकेट, और दूसरे लेयर को भी दूसरे फिट के नीचे लगा देना है। सो फ्रेंड्स इतना सब होने के बाद फिर सबको क्या करना, ऑल फोटो पर जाना। ऑल फोटो पर जाकर फ्रेंड्स आपको यहाँ से बैड बॉय का एक PNG टेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस टेक्स्ट को आपको क्या करना, टॉप पे यहाँ पे सेट कर देना कुछ स्टेप से। सो फ्रेंड्स फिर से आपको क्या करना, ऑल फोटो पे जाना, और यहाँ से आपको लाइट PNG यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये वाला ब्लू और रेड लाइट PNG आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर देना। सिलेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स ये जो पहले वाला ब्लू वाला है आपको क्या करना, यहाँ से आपको बी वाले वर्ड पर रख देना और दूसरे को डी वाले वर्ड पर रख देना। इन सबका आपको फिर से क्या करना है, दो लेयर यानी इसका फिर से आपको क्लोन बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको वही लेयर पे सेलेक्ट करना, इसका डुप्लीकेट कर देना, और इसको पहले वाले बी पे और रेड वाले को आपको क्या करना है, दूसरे लेयर पे सेट करने वाले बी वाले लगा देना। तो फ्रेंड्स ये सारे जो भी इमेज आप यहाँ पे सिलेक्शन हुए जो टॉप में, उसको क्या करना है, ब्लेंड में आपको कर देना है, स्क्रीन कर देना है। यानी जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ब्लू और रेड, उस चारों इमेज को आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग में जाना और इसे कर देना स्क्रीन, जिससे इसका ओपेसिटी लेवल यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा। सम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि इतना सब एडिटिंग होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, सारे फोटो को यहाँ पे चेकबॉक्स की सहायता से एक्सपोर्ट कर देना है। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से आपको ऑल फोटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कर देना है सिलेक्शन। ऑल फोटो पे जाकर फ्रेंड्स आपको यहाँ से बर्ड PNG मिल जाएगा, तो बर्ड PNG का आपको यूज़ कर देना, और बर्ड PNG को आपको क्या करना है, ये जो मॉडल है इसके लेफ्ट साइड में आपको सेट कर देना, इसका ओपेसिटी आपको थोड़ा सा कम कर देना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल यहाँ पे फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स यदि आपको फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स इस टाइप की फोटो एडिटिंग आपके लिए हमेशा लेके आता हूं। तो फ्रेंड्स भाई को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।